आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे की पिट्ठा। और मैं 250 ग्राम मूंगफली का दाना ली हूँ छीला हुआ, और इसको मैं कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी हूँ। इसको मैं भूनूंगी, और मेरा कढ़ाई गरम हो चुका है, मैं इसको भूनने के लिए डाल रही हूँ। और भूनने के बाद और इसमें तिल भी डालूंगी, उसको भी मैं दिखाऊंगी आपको। तिल, गड़ी और गुड़ और मूंगफली, ये तीनों चारों चीज को मैं मिक्स कर लूंगी। ऐसे बढ़िया से भूनूंगी, और भूनने के बाद मैं बनाऊंगी। अब ये देखिए मेरा मूंगफली भून करके रेडी हो गया है। मैं गैस को बंद कर दी, अब मैं इसको निकाल लूंगी थाली में, और ठंडा होने के लिए कुछ देरी के लिए मैं छोड़ दूंगी 10 से 5 मिनट। तब तक तो ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसका छिलका उतार लूंगी। देख सकते हैं कितना अच्छा भून गया है। और ये मैं एक गड़ी गोला ली हूँ एक, अगर पूरा घिसूंगी तो पूरा घिस दूंगी, नहीं तो थोड़ा सा घिस के थोड़ा सा बचा दूंगी, और भी कोई काम में आएगा। तो पिट्ठा में डालने के लिए मैं घिस दे रही हूँ। ऐसे चक्कू से भी हम काट के डाल सकते थे, लेकिन वो थोड़ा टुकड़ा बड़ा बड़ा रहता है ना, इससे थोड़ा उसमें आटे में दिक्कत करेगा फटने उठने का, इसलिए मैं घिस लेती हूँ उसको। अब मेरा भतीजा आया है, उसको खिलाने के लिए घिस रही हूँ। उसकी मम्मी गुलाब जामुन लाई थी तो हम लोग खाए ना। और ये मैं गड़ी गोला सूखा हुआ घिस ली हूँ थाली में, और थोड़ा बहुत एक आध पीस थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा निकल गया है, इतना छोटा मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। और अगर कम पड़ेगा तो और भी हमारे पास गोले हैं बचे हुए, उसको मैं डाल दूंगी घिस के। और हाथ भी दर्द करने लग गया ये। और ये रेडी हो गया मेरा, और मूंगफली भी देख सकते हैं ये छिलका उतर रहा है, इसको मैं फटक दूंगी। अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने का प्रोसेस करने। कद्दूकस कर ली हूँ, कद्दूकसने वाला जो घिसने वाला होता है उससे मैं गुड़ को, आधा किलो मेरा गुड़ है उसमें से एक दो टिक्की मैं बचा के रख ली हूँ, तो मेरा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि और भी चीज़ें मिलानी है। ये 3 टिक्की मैंने रख लिया है, और बाकी को मैं घिस ली हूँ। और 250 ग्राम मूँगफली था वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और ये सूप पे ही रख करके मैं सिलबट्टे वाला जो होता है ना पीसने वाला, उससे मैं थोड़ा सा इसको वो कर दी छोटा छोटा पीस, देख सकते हैं आप। और ये मैं एक बहुत बड़ा गोला था उसको भी मैं घिस ली हूँ, और वो इसमें मैं डालूँगी। ये हो गया मेरा, और मैं आटा गूंदने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। और ये मेरा रहा तिल, ये तिल इसको मैं भून ली हूँ बढ़िया से, सफ़ेद तिल थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ, इसमें कुछ नहीं है, और मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं डाल दिया सब, अब इसको मिलाऊंगी। अगर आपके पास तिल हो तो तिल डालें, और गड़ी है तो गड़ी भी डाल सकते हैं घिस करके, और नहीं है तो कोई बात नहीं, तिल और मूंगफली और गुड़ का भी बना सकते हैं। हमारे पास ये 4 चीज है, गुड़, मूंगफली और तिल सफ़ेद, और ये गड़ी गोला। मैं चारों चीज़ को मिक्स कर दूंगी, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है ये चारों चीज़ रहता है। तो अब इसको मिक्स करके और मैं आटा जब गूंदूंगी तब उसमें भरूंगी सारे में, तो बढ़िया से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छे से ही मिला है बढ़िया से, ताकि सारा मिक्स हो जाए, नहीं तो कहीं तिल रहेगा खाली और कहीं मूंगफली
और कहीं कुछ। अब ये देखिए मेरा पानी खोल गया है और मैं पिट्ठा बनाने के लिए मैं पानी खोलने के लिए रखी थी और इसमें 1 से 2 चम्मच तक मैं घी डाली हूँ। उससे क्या होगा, मेरा चावल का आटा जो रहेगा, जो पिट्ठा बनेगा, वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। मैं उसका वीडियो नहीं दिखाई हूँ, पर इसमें 2 से 3 चम्मच भर मैं वो डाली हूँ। और मैं थोड़ा पानी इसलिए निकाल रही हूँ कि कहीं ज़्यादा पानी ना हो जाए तो मेरा आटा गीला हो जाएगा। अगर कम पड़ेगा तो मैं फिर से डाल सकती हूँ ऊपर से। थोड़ा फर्क रही है, ठंडा हो जाते पन्ने, इसलिए अब मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। कितना आटा होगा? आटा कितना होगा? आटा करीब 1.5 से 2 किलो भर आटा है। और मैं इधर और भी डाली हूँ आटा, थोड़ा सा रख रखती हूँ कटोरी में। एक कटोरी भर ये आटा है, 2 किलो आटा मेरा है मान के चलिए। इसी तरह से आप कढ़ाई में आटा जब गर्म पानी में खोलता हुआ गर्म पानी में गूंजे तभी आपका पिट्ठा जो है सॉफ्ट बनेगा और बढ़िया बनेगा, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। और मैंने पानी जो थोड़ा सा निकाल ली थी वो मैं यहाँ चढ़ा रखी हूँ उसको। मेरा पानी कम पड़ रहा है इसलिए मैं थोड़ा बहुत सारा देख सकते हैं आप, मेरा जो है आटा गूंद करके रेडी हो चुका है गर्म पानी में। अब मैं इस कढ़ाई से आटा निकाल करके और मैं अपने उसमें कटौती में रख लूंगी और इसमें गर्म पानी रखूंगी। अब ये मेरा आटा जो है गूंद करके रेडी हो चुका है, मैं इसमें निकाल रही हूँ। बहुत अच्छा से गुनाया मेरा आटा। अब इसमें मिक्स करूंगी थोड़ी थोड़ी करके। एक थाली ले आ जा, चल इसमें निकाल लेती
मेरा पानी जो है से उबाल आ चुका है और मैं डाल रही हूँ उसमें पिट्ठा और एकदम पानी खोल जाए तभी पिट्ठा डालें तो ये जल्दी पक भी जाता है और जल्दी उबल भी जाता है। और मैं इसमें डाली हूँ अब मैं इसमें नहीं डालूंगी, ये मेरा सारा पानी में डूब जाना चाहिए पिट्ठा और ये तीन पिट्ठा मैं इसमें डाल रही हूँ सस्पेन में, एक पिट्ठा और इसमें डालता लेकिन इसमें डाल और अब हम इसको छोड़ देंगे और इसको मैं डाल करके इसमें छोड़ दिए दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए और इसमें 15 से 20 मिनट तक के ये उबलेगा और पकेगा इसमें और सस्पेन में भी मैं देख सकते हैं आप तीन पिट्ठा में डाल दी हूँ ये भी दोनों में उबल गया था पानी अब ये उबलेगा और पकेगा बढ़िया से। देख सकते हैं मेरा पिट्ठा जो है से बन करके रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकालूंगी थोड़ा ये वाला बना लूँ देख सकते हैं ले ये मेरा बन करके रेडी हो चुका है देखिए एकदम पूरा देखिए पक चुका है अंदर तक। अब ये मेरा रेडी हो चुका है मैं इसमें निकाल रही हूँ अब ये फट भी गया है एक मेरा लगता है इससे मेरा गुड़ गिर रहा है और ये मैं सारा निकाल लूंगी एक एक तीन तीन करके ज्यादा स्टफिंग भरने से ये फटता है और आपको तो मैंने बताई थी कि आजकल गुड़ जो है से बाजार में चीनी वाला मिक्स मिल रहा है क्या पता उसके वजह से फट रहा हो। और ये मेरा 9 से 10 पिट्ठा मेरा बन करके एकदम खाने के लिए रेडी है ये देख सकते हैं आप ये और इस ये पिट्ठा का रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना और एक बार खा करके और बना करके ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजना।